टॉप करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स, अपने लाइफ में वही ब्राइटनेस लाने के लिए जो भी मेरे करंटली शक्ल पे दिख रही है। तो यस, अपने करियर में कैसी वाली ऐसी वाली ब्राइटनेस लाने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा अपने लिए अच्छा प्रोस्पेक्टिंग करियर। पहला, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल कोर्सेज की जो आपको अच्छा करियर दे सकता है इन योर लाइफ, पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको लाखों में पैकेजेस मिलते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट आखिर करता क्या है, उसका काम है अकाउंट्स, टैक्सेशन, फिनेंस, ये सबको हैंडल करना। उसके बाद आता है कंपनी सेक्रेटरी एंड LLB। अगर आपका लॉ दैट इज थियरी साइड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको थियरी याद रह जाती है, भाई मेरे को याद नहीं रहती थी, मेरे को प्रैक्टिकल चीजें लगती है, अगर आपको थियरी याद रह जाती है, थियरी आपका फेवरेट पार्ट है, तो आप चूज कर सकते हैं CS दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉयर। उसके बाद अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि आपको रिलायंस के कंपनी के अंदर जाके ये देखना है कि पेट्रोल पर लीटर का कॉस्टिंग क्या है, आपको निकालना है हर चीज का कॉस्ट, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आखिर अगर ये शर्ट बनी है तो ये शर्ट कितने में बनेगी और कितने में बेचना चाहिए, मुद्दा क्या है, कितने में बनेगी और कितने में बनाया। अगर आपका कॉस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको फैसिनेट करता है द वर्ल्ड ऑफ मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, तो CFA आपके लिए है। बट CFA का यह है कि आप जब आपके ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के बाद आप इसका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, उसके पहले CFA के दरवाजे आपके लिए बंद है। अब अगर मैं करियर में बात करूं वो उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बहुत तगड़ा है, तगड़ा मतलब ऐसा तगड़ा वाला, जिनका मैथ्स बहुत तगड़ा है वो चूज कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत कम लोग हैं, बट जो मैथ्स का लेवल एक्चुअली के अंदर है वो एज गुड एज साइंस वाला मैथ्स है। ओके, तो यस, आपको एक्चुअली चूज करना है तो सोच समझ के चूज करना, और तभी चूज करना जब आपका मैथ्स बाहुबली है आपके लिए। परफेक्ट विद दैट। अब सर, ये सब करियर ऑप्शंस प्रोफेशनल डिग्री साइड हो गए। अगर हम डायरेक्टली कोई चीज करना चाहते हैं, आप बैंकिंग जॉब्स रिफर कर सकते हैं अपने लिए, आप कोई बैंक में काम कर सकते हैं, स्टार्ट डजंट मैटर, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जो आप देके बैंकिंग सेक्टर एंटर कर सकते हैं। आफ्टर बिकमिंग अ CA, आफ्टर बिकमिंग अ CFA, आप बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम है, वो इन्वेस्टमेंट हैंडल करता है, वो पोर्टफोलियो हैंडल करता है। आपने सुना है म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, म्यूचुअल फंड में 15% रिटर्न आता है, तो म्यूचुअल फंड का पैसा, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पैसा हैंडल कौन करता है, CFA। ओके, या CA विथ अ गुड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, परफेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सर ना हमें किसी और का पैसा हैंडल करना है, हमें सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, तो आप इंश्योरेंस की कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं कि आखिर इन्वेस्ट कहां करना। उसके बाद आप लोगों को कमोडिटी मार्केट के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं और वहां इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, आप अलग अलग कैपिटल मार्केट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप एक पूरा चेन बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का। सो उसके अलावा स्टॉक ब्रोकर, इसको मत भूलना, ज़ीरोधा नितिन कामत, क्लियर। तो ब्रोकिंग धंधा जहां आपका पैसा नहीं लगा हुआ है बट आप बीच का कट लेके पैसा कमाएंगे। सो राजा, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, इतने कि आप नाम लेते थकोगे नहीं। मुद्दा क्या है, मैंने इतनी बड़ी लिस्ट तो बताई है, बहुत सारे नाम बताए, बहुत सारे करियर बताए, बट जब भी करियर की बात आते हैं आप मिक्स करते हो डिग्री को विथ योर करियर। डिग्री एक गोल होना चाहिए, उसके बेसिस में बहुत सारी चेन ओपन हो जाती है लाइफ में। लाइक अगर आप एक CA हो तो आप ऑडिट भी कर सकते हो, आप टैक्सेशन भी कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया भी एंटर कर सकते हो, आप पढ़ा भी सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, क्लियर। सो डिग्री क्या है, डिग्री आपको एक सपोर्ट देती है कि जो आपके लाइफ में आपको ड्रीम परस्यू करना है। लाइक मेरा ड्रीम था टीचिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो पहले मैंने अपने लाइफ में करियर दैट इज CA को चूज किया। अब CA क्या है, ये मेरे लिए आज के तारीख में डिग्री भी है और ये मेरा करियर भी है।
ओके, बिकॉज मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्लियर। अब इसके अलावा मुझे एक बात समझाओ, क्या टीचिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं? यस। बहुत सारे एडुकेटर्स हैं? यस। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं? यस। मैंने अपने लिए एक डिग्री चूज किया जो मुझे बैकअप दे रहा है टू परस्यू माई ड्रीम्स। तो आपको लाइफ में जो भी ड्रीम परस्यू करना है, आपने वो ड्रीम परस्यू करना चाहिए। अगर वो गिटार का हो, अगर वो तबला बजाना हो, कि आपको म्यूजिशियन बनना है, कि आपको आर्टिस्ट बनना है, जो आपको करना है आप करो, ड्रीम फुलफिल करना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मनी। पैसा चाहिए और पैसा जरूरत है। पहले अपने लाइफ में कोई एक अच्छी डिग्री ले लो, वो डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट वो डिग्री के दम पे आपको एटलीस्ट 12-15 लाख का साल का पैकेज होना चाहिए। वो पैकेज ले लिया आपने, उसके बाद अपने ड्रीम के तरफ जाओ, आपका ड्रीम जरूर फुलफिल होगा। बेटा जब जेब में पैसा रहता है ना, तो आदमी की इच्छा भी होती है सपने देखने की। जब जेब में पैसा नहीं है ना, बहुत दिक्कत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सपने नहीं देखे जा सकते जब जेब में पैसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ दिक्कत बहुत होती है जब जेब में पैसा नहीं है लेकिन सपने देखना है। जब जेब में पैसा है, सपने आदमी थोड़ा सा आराम से बैठ के देख सकता है। ठीक है राजा। सो दिस वॉज माय से ऑन द करियर्स एंड आपने लाइफ में कैसे अपने ड्रीम्स की तरफ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी यू बाय। टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोरा साइनिंग ऑफ।